नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है और ये खेल ये है कि कन्नड़ के सुपरस्टार किच्चा सुदीप जो है वो बीजेपी के लिए इस चुनाव से पहले आप कह सकते हैं कि प्रमोशन तो करेंगे ही और साथ ही साथ अब उन्होंने अपना समर्थन भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई के लिए इसका ऐलान कर दिया है अपने समर्थन का। तो स्पष्ट तौर पर ये बड़ा झटका है आप कह सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, बाकी पार्टियों के लिए जो सपने सजो रही थी कि कर्नाटक में एक बार वो गद्दी संभालेगी और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी गेन है क्योंकि किच्चा सुदीप काफी एक बड़े फिल्म स्टार हैं और उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। उन्होंने पहले ही कहा था क्योंकि उनकी बता दें आपको उनको लेकर ऐसी खबर चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार जरूर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपना समर्थन अब बीजेपी के ही जो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बोम्मई को दिया है और ये कहा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं लेकिन मैं इस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं और इसके प्रचार के लिए मैं उतरूंगा। बता दें कि जिस दौरान ये खबरें चल रही थी कि ये बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं, इस दौरान इन्हें एक धमकी भी दी गई थी, इनके मैनेजर को एक कॉल आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर इनके एक प्राइवेट वीडियो जो है उसे लीक कर दिया जाएगा। और इस तरीके के खबरों के बाद पुलिस हरकत में आ गई और इस मामले की जाँच में जुट गई। अब ऐसे में क्या कुछ कहना है लोकप्रिय कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप का, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको लोकप्रिय कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप कर्नाटक में बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि किच्चा सुदीप भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभिनेता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने मुश्किल दौर में उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कठिन समय में मेरा साथ दिया था और मैं अब उनका समर्थन करूंगा, मैं केवल भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किच्चा सुदीप ने कहा कि वह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनकी पार्टी का समर्थन करने आए हैं, वो जिस भी पार्टी में हो उनका समर्थन करेंगे, मैं राजनीति से नहीं आ रहा हूँ। किच्चा सुदीप दक्षिण भारतीय फिल्मों के ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने फिल्म फूंक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और सलमान खान की फिल्म दबंग 2 में वह विलन के रूप में नजर भी आए थे। कर्नाटक में एक ही चरण में 10 मई को विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और वह सत्ता में बने रहने के लिए जमकर तैयारी कर रही है। पार्टी ने इस बार राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। This for the person and some of the few people he wants me to support, sir. And when I tell him that I'm supporting him, I will go by what he wants, his requirements. So, and you know, the new other prashne kelidaga, that one thing I clarified there, I cannot, campaign for everybody. I cannot. Humanly, I can't. And I won't. There are few people probably where he thinks it's a requirement and when I say I'm going by him, I will go by what his needs are. That's about it, sir. ऐसे में स्पष्ट तौर पर कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को जो है सुदीप ने अपना समर्थन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई के लिए अब उन्होंने ऐलान कर दिया है। बीजेपी का ही ये समर्थन भी कर रही है, बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे और ये आपको बता दें कि एक बड़ा झटका है बाकी कर्नाटक की पार्टी को। तो कर्नाटक बीजेपी को किच्चा सुदीप का साथ मिला है, सीएम बोम्मई के लिए अब वो कैंपेन करेंगे और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जिसमें कहा जा रहा था आपको शुरुआत से बता दें कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सिर्फ इन अटकलों के बाद ही उन्हें धमकी भरे कॉल आने लगे। बीजेपी में जाने की खबर से इनकार जो है उन्होंने बाद में कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ चुनाव पार्टी में बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे। वह इससे पहले उन्हें एक चिट्ठी के जरिए धमकी भी दी गई थी और कहा गया था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनका निजी वीडियो वायरल जो है कर दिया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही थी कन्नड़ सुपरस्टार की, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ सीएम बोम्मई के साथ वो नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बहुत जब कठिन दौर से गुजर रहा था उस दौरान ये पार्टी मेरे साथ थी, इन्होंने मुझे काफ़ी समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि काफ़ी जो कठिन समय था मेरे लिए उस दौरान उन्होंने मेरा साथ दिया और अब मैं इनका साथ देना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी से होंगे मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं बोम्मई के लिए
कैंपेन भी करूंगा और जो है उनका साथ भी दूंगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो है किस तरीके से इस वक्त जो है हलचल देखने के लिए मिल रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया था कि जल्दी किच्चा सुदीप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, और ऐसे में एक बड़ा चेहरा है वो कन्नड़ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाने माने चेहरे हैं और ऐसे में इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। यू कहा जा सकता है कि कर्नाटक में किच्चा सुदीप को जो समर्थन बोम्मई सीएम बोम्मई को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, इसे बीजेपी को काफी ज्यादा लाभ होगा और साथ ही साथ कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस अपने तरफ से अथक प्रयास कर रही है लेकिन उनके प्रयासों पर इस तरीके से पानी फिर जा रहा है। स्पष्ट तौर पर बीजेपी जो है इस मामले में ज्यादा स्कोर गेन करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जिस तरीके से किच्चा सुदीप भी उनके साथ उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में यानी होने वाले विधानसभा चुनाव में इसमें बीजेपी को काफी ज्यादा जो है सुदीप के किच्चा सुदीप के समर्थन से लाभ जो है मिलेगा। ऐसे में अब आपको बता दें कि अटकलों के बीच जो है अटकलों को विराम जो है लगा दिया गया है क्योंकि कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान से ही पहले ही जो है हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां इसे लेकर काफी ज्यादा तेज है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई थी कि दो मेगा स्टारों की राजनीति में एंट्री होने की खबर आई थी। जो कन्नड़ फिल्म स्टार दिग्गज अभिनेता किच्चा सुदीप का बड़ा बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि मैं केवल जो है भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि इससे पहले अटकलें, जैसे कि हमने आपको बताया कि अटकलें काफी ज्यादा तेज थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बीजेपी में एंट्री की खबरों के बीच साउथ स्टार किच्चा सुदीप को धमकी भरे लेटर मिलने लगे जिसके बाद FIR दर्ज कर ली। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि धमकी भरे जो खबरें मिल रही थी, सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा डर है, उन्हें पता है कि किच्चा सुदीप जो है एक बड़ा चेहरा है, जो है कभी CBI को लेकर कभी इसको लेकर ये चीजें कहते रहते हैं, लेकिन अब इन्हें पता है कि ये एक बड़ा चेहरा है और इस बड़े चेहरे को लेकर आगे चलना है। इस बड़े चेहरे को लेकर अगर ये बीजेपी में जाती है तो इन्हें उससे फायदा होगा और इसी वजह से जैसे ही अटकलें शुरू हुई कि बीजेपी में शामिल होंगे वैसे उन्हें धमकी भी मिलने लगी। लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे लेकिन बीजेपी को समर्थन भी दे रहे हैं और बीजेपी के लिए कैंपेन भी करते नजर आएंगे, जो अपने आप में एक तरह से आपके ये इनडायरेक्ट समर्थन भी है और इससे काफी ज्यादा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होने वाला है। और यही डर विपक्ष को था और यही कारण है कि इस तरीके से धमकी भरे लेटर्स जो है किच्चा सुदीप को भेजे जा रहे थे। यही नहीं, जैसा कि हम आपको कह भी रहे हैं कि बीजेपी में इनके आने से काफी ज्यादा जो है इनको फायदा होगा, इसे लेकर अब वहां के बसवराज और बोम्मई जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा इनकी पहचान भी है और काफी ज्यादा फेमस है, काफी लोग इन्हें जानते हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा गेन है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे पावर मिलेगा और हम एक बेहतर क्लियर मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे और जो जनता है वो डबल इंजन की सरकार को समर्थन देगी। तो आप देखिए किस तरीके से जो बयान है उनका आ गया है सामने, जहां पर वो कह रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि किच्चा सुदीप जो है काफी फेमस एक व्यक्ति है, पॉपुलर है, जनता के बीच उनकी पकड़ अच्छी है और ऐसे में उनके आने से बीजेपी को जो है काफी ज्यादा लाभ होगा और इसी वजह से ये बाकी पार्टियों के लिए कर्नाटक में झटका है जो बीजेपी को मात देने के प्रयास को लेकर तैयारियां कर रही थी। अब ऐसे में PC की गई और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं अपना पूरा समर्थन जो है बसवराज बोम्मई सर को जो है मैं दे रहा हूँ और ये मैं हमेशा करता रहूंगा क्योंकि एक कठिन समय में वो मेरे साथ थे और आज मैं उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैं अब उनके साथ जो है देने का प्रयास इस वक्त कर रहा हूँ। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा समर्थन है और साथ ही साथ बीजेपी को इस समर्थन से काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। बता दें आपको शुरुआत में अटकलें थी कि बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन अब अटकलों पर विराम लग गया है क्योंकि बीजेपी के लिए वो प्रचार करेंगे, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे ना ही राजनीति के तहत काम कर रहे हैं। और सीधा उन्होंने यही कहा है कि हम सिर्फ प्रचार करने के लिए आए हैं और हम प्रचार ही करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है किच्चा सुदीप द्वारा समर्थन की बात कही गई है और इसके बाद बसवराज बोम्मई का क्या कुछ रिएक्शन रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।